मेरी बड़ी मोहतबाना गुजारिश आपसे ये है कि ये रियली मईशतदानों के काम है कि वो ये डिस्कस करें कि वो जीडीपी का क्या होने वाला है फ्यूचर में, कौन बड़ा चैलेंज है। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपने आटे की कीमत कम किस तरह करनी ठीक है। बताया जा रहा है कि हमारी बम्पर क्रॉप है इस दफा। देखिए, एक हर बच्चा पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा मर्द और औरत तकरीबन 125 किलो साल का आटा इस्तेमाल करता है। आज से 3 साल पहले जो है 22 करोड़ पाकिस्तानी, 21 करोड़ पाकिस्तानी मिलके जो है वो 1,000 अरब रुपया अपनी जेब से निकालते थे और अपनी पूरी आटे की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती थी। ठीक आज उनको 2,000 अरब रुपया चाहिए उतनी ही क्वांटिटी का आटा खरीदने के लिए। तो 1,000 अरब रुपया जो इजाफी आपके और मेरी जेब से निकल रहा है, ये असल सवाल है उन लोगों का जो आम पाकिस्तानी है। चैलेंजेस अगर आपने स्पेसिफिकली पूछने हैं, मेरा ख्याल है कि तकरीबन 98% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है महंगाई वो का है, वो इन्फ्लेशन का है। इंटरनली, एक्सटर्नली अगर आपके पास चैलेंज है तो जो बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है वो करंट अकाउंट डेफिसिट का है, जिसका आपने भी जिक्र किया। जिसका मतलब आसान अल्फाज में ये है कि हम 6 साढ़े 6 अरब की इम्पोर्ट कर रहे हैं माना की बुनियाद पे, और हमारी एक्सपोर्ट का जो लेवल है अभी भी बताया गया, मुजम्मिल साहब ने कहा कि वो 30-31 अरब पे है, जो 2013 में हमने अचीव कर लिया था। 2013 में जो हमने एक्सपोर्ट की थी वो तकरीबन 31 अरब की थी, और अब हम उसी लेवल पे पहुंच रहे हैं, जबकि हमारी इम्पोर्ट जो है वो मैंने नहीं देखी 70 साल माजी तारीख में कि वो 6 साढ़े 6 अरब की महाना पहुंच जाए। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। ठीक साथ ही साथ बजट का जो डेफिसिट है वो भी चैलेंज बन रहा है। लेकिन जो सबसे तश्वीशनाक बात है वो ये है कि इकोनॉमिक चैलेंजेस इतने बेशुमार आ रहे हैं और इसके साथ ही साथ पॉलिटिकल चैलेंज भी बेशुमार आ रहे ठीक हैं। तो ये क्राइसिस जो है ये इकट्ठी चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी और पॉलिटिकल क्राइसिस।